ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಟೋಕರಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರಂತ ನಾಡ್ದ ಸಂಡೆ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ 11 ಬಜೆ ತಿಪ್ರಂ ಭವಾನಿ ಟೆಂಪಲ್ದಾಗೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೈ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಿವಸ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಪಾಯ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ न्यू विश्व डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाया है आपके लिए राजमाता जीजाओ टाउनशिप नियर खानापुर बसवा कल्याण। राजमाता जीजाओ टाउनशिप में 2BHK इंडिपेंडेंट हाउस विद बोरवेल सिर्फ 19,51,000 में। प्रेस मीट बुलाने का वजह यह है कि बसवा कल्याण ये एक मेरा फैमिली है, क्योंकि ये बसवा कल्याण में यहाँ पे नारायणपुर में मैं पैदा हो गया हूँ, इसलिए बसो कल्याण का एक परिवार मेरा फैमिली रहने की वजह से फैमिली का मैं एक सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस धरती का संरक्षण करे, अभिवृद्धि करे, इसका डेवलपमेंट करे, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। तो अभी मैं तो महाराष्ट्र शासन में नौकरी करता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आप सबको बोलता हूँ। मैं 1999 का क्लास वन ऑफिसर एमपीसी कैंडिडेट हूँ, मैं जो भी बोलूंगा बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा। तो मुझे बसों ये कर्नाटक और महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र कैडर का ऑफिसर रहने की वजह से मुझे यहाँ पे कर्नाटक में मैं एज ए आप जैसे है वैसा मैं भी एक सिविलियन हूँ। तो मुझे इस जन्मभूमि पे जो भी अन्याय होता है या जो भी कुछ मुझे मेरा अभिप्राय देना है तो मेरा पूरा पूरा हक बनता है। तो मैं बचपन से इस धरती को 2002 से मैं सोशल एक्टिविटीज में हमेशा एक्टिव रहा हूँ। इस धरती का कैसा डेवलप होता है यही मैं हमेशा सोच रखा हूँ। 2006 में मेरे सगे भाई कालिदास वाडीकर, इनको जिला पंचायत मेंबर बना के उनको इस भाग का अभिवृद्धि किया हूँ, डेवलपमेंट किया हूँ। मेरे सपना एक ही है, पशु कल्याण हमारा महात्मा बसवेश्वर जी का कर्मभूमि रहने की वजह से पूरे कर्नाटक में आज मांग हो रही है जिला होना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ ये बसवा कल्याण ये राज्य होना चाहिए, कल्याण कर्नाटक का कैपिटल होना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। और दूसरी बात, इस बसवा कल्याण का मेरा परिवार रहने की वजह से, इनका सदस्य मैं रहने की वजह से सभी वर्गों का, सभी जाति धर्मों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि एक परिवार है बसवा कल्याण। तो इस परिवार का सदस्य मैं रहने की वजह से मुझे पूरा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है सभी वर्गों को लेके चलना है। तो हमने शुरुआत, मैं जिस समाज में पैदा हो गया उस समाज से पहले भी काम कर चुका हूं, होली समाज का आप सभी को मालूम है, मुड़वी में भी कार्यक्रम मैंने बहुत बड़ा लिया था 2008 में। तो यहाँ पे कोली समाज मालूम ही नहीं था किसी को, तो मैंने कूड़ाकार लेके समाज का सम्मेलन लेके कोली समाज यहाँ पे दिखाई दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का ऑब्जेक्शन रहेगा, कोई उसमें समाज में पैदा होता है तो जैसे माँ जैसी रहती हो। तो अपने समाज का कोई सेवा करता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे समाज को हम कम लेखते या कम देखते, ऐसा नहीं है। तो अभी मैं जिस समाज से पैदा हुआ हूँ, कोली समाज से, टोकरी कोली समाज से, तो हमने 19 तारीख को हमारे समाज की मीटिंग रखी हुई है कोली समाज, टोकरी कोली समाज की। तो उस टोकरी कोली समाज की जो जो भी समस्याएं है, तो हमारे नारायण राव साहब पहले कोली समाज से यहाँ से विधायक थे, तो कोली समाज के लोग ऐसा कुछ घबरने की बात नहीं है कि हमारा लीडर नहीं है,
या हमारे जितने भी हुए हमारे नारायण राव साहब भी सभी वर्गों को लेके चलते थे, उसमें कुछ दुमति नहीं है। तो इसके लिए उनके बावजूद उसके बाद नारायण राव साहब के बाद कोई भी जिस भी वर्ग का रहेंगे तो किसी को भी कमी महसूस होने नहीं देना बोल के मैंने एक पन रखा है। तो वो मुझे भगवान भारत माता मुझे शक्ति दे दे इतना बोल के 19 तारीख को 11 बजे टोकरी कुली समाज का तिप्रांत में हमने पुलिस टोकरी कुली समाज का मीटिंग रखा है। आप सभी को भी मैं विनंती करता हूँ, आप सभी जन आइए और सभी वर्गों का हमने उन्नति की ओर लेके जाएंगे। और इस बसो कल्याण पूरे कर्नाटक में जिस तरह देवेगौड़ा जी का हासन है, हमारा शरद पवार जी का बारामती है, उसी तरह अपन बसो कल्याण को हमारे पूरे कर्नाटक में एक नंबर का तालुका बनाएंगे बोल के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय कर्नाटक। 19 तारीख को जो आपने मीटिंग रखा है पुलिस समाज को, वो किस लिए मीटिंग रख रहे हैं? एक्चुअली हालांकि मुझे मेरे पास हमारे समाज के कुछ लोग आए थे, साहब हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, समाज के कास्ट सर्टिफिकेट बंद है, समाज की कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। हालांकि 2008 में मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बूटा सिंह जी को SC/ST कमीशन के चेयरमैन थे उनको यहाँ पे बुला के तभी से कास्ट इश्यू करना चालू किया था। तो उसी सिलसिले में हमने मीटिंग बुलाया और चार पांच मुद्दे है उसमें, जैसा कि अपना हमारा सभा भवन एक दिए है अंबिकार चौड़ाई पर 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, पैसा भी रिलीज हो गया और जमीन भी सैंक्शन हो गया, तो उसका बॉडी बनाना है, समाज का बॉडी भी चेंज करना है, ऐसे चार पांच मुद्दे है और भी समस्या क्या क्या रहेंगी उस दिन मीटिंग में पूरा हो जाएगा। तो इस मीटिंग में कोई और कोई बाहर से कोई आने वाला है? बाहर से नहीं, सिर्फ हम तालुके के लोग रहेंगे। माला मैडम है हमारे, शांताबा जी पाटिल है हमारे, शंकरराव जमादार है, ये सब लोग हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल कुराली सुपरमार्केट दिवाली बिग ऑफर।